दोस्तों, आप लोग बचपन में हाजमोला जरूर खाते होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना चटपटा और चटाकेदार होता है कि इसे खाने की आदत सी हो जाती है। कई लोग तो पेट खराब हो या ना हो, लेकिन हाजमोला खाना नहीं छोड़ते। तो चलिए आज जानते हैं कि हाजमोला के इतने चटपटे होने का क्या राज है। इसलिए आज हम आपको ले चलेंगे हाजमोला की फैक्ट्री में और दिखाएंगे कि कैसे बनता है चटपटा हाजमोला। दोस्तों, हाजमोला बनाने के लिए रॉ मटेरियल में जीरा, काली मिर्च, नसादर, सुंठी, लौंग, पीपली, चीनी, नमक, काला नमक और पाचन चूर्ण का यूज़ होता है। सबसे पहले सूखे जीरे को रोस्टिंग मशीन में डालकर 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भुना जाता है। अब इसमें बाकी सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं। इस इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले वर्कर अपने हाथों से मिक्स करता है, फिर इन सभी को इस ग्राइंडर मशीन में डालकर महीन पीस लिया जाता है। इसके बाद इस पाउडर को मल्टीपल स्टेजेस में ग्राइंड किया जाता है। इन एडवांस मिक्सर ग्राइंडर के कारण सभी इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस महीन पाउडर का रूप ले लेते हैं। तो अब इन मिक्सचर को मील में शिफ्ट करते हैं, जहां पर ये मशीन 3 मिलीमीटर से बड़े दानों को अलग करके क्रश कर देती है। और अब इन पाउडर से भरे कंटेनर को भेज दिया जाता है टैबलेट्स बनाने के लिए, जहां पर ये ऑटोमेटिक मशीन 25 आरपीएम की स्पीड से हर घंटे 2 लाख हाजमोले की टैबलेट्स को बनाती है। ये मशीन हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके पाउडर से टैबलेट्स को बनाती है। देखिए, हो चुकी है तैयार हाजमोले की गोली। इतनी छोटी सी गोली और स्वाद से भरपूर, इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों, फाइनली अब इन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, हमने चटपटा हाजमोला बनते तो देख लिया, तो चलिए अब देखते हैं चटपटा और मसालेदार कुरकुरे कैसे बनता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रियों में कुरकुरे के रॉ मटेरियल जैसे कॉर्न मील, ग्राम मील और स्पाइस मिक्स मसाला को मंगा लिया जाता है। ये सारे मटेरियल्स बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। फिर इन्हें लैब में इनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। सभी स्केल पर सही पाए जाने पर इन मटेरियल्स को कुरकुरे बनाने के लिए स्टोर कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि कुरकुरे 100% वेजिटेरियन होती है। तो काम शुरू होता है कुरकुरे बनाने का, जिसके लिए सबसे पहले राइस मील, कॉर्न मील और ग्राम मील को ब्लेंड किया जाता है और इसमें सही मात्रा में पानी को ऐड किया जाता है। अब ये सारे मिक्सचर इस मशीन, जिसे एक्सट्रूडर कहा जाता है, उसके अंदर से होकर पास होता है, जो कि इसे डायरेक्ट कुरकुरे की शेप में कन्वर्ट कर देता है। ये कुरकुरे अभी कच्चा होने के कारण जब ये गिरती है तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यही कारण है कि हर कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो अब एक्सट्रूडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये फ्रायर में चली जाती है, जहां पर इसे एडिबल ऑयल में फ्राई किया जाता है, जिसके कारण कुरकुरे में एक अलग तरह का क्रंचीनेस आता है। फ्राई हो जाने के बाद अब बारी आती है सबसे बेस्ट प्रोसेस की बारी। यहाँ पर कुरकुरे में अलग अलग फ्लेवर के मसाले लगाने का काम किया जाता है। वैसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मसाले लगाने के लिए इसे टम्बलर से होकर गुजारा जाता है, जो कि घूमते हुए कुरकुरे पर मसाले को लगा देती है। तो अब कुरकुरे बनकर तैयार है, लेकिन इसे पैक करने से पहले इसे मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया जाता है, ताकि इसमें कोई मेटल का टुकड़ा ना चला जाए। तो अब तैयार है कुरकुरे पैक होने के लिए। इसे मशीन के जरिए अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और इसे बड़े बड़े कार्टन में पैक कर दिया जाता है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से तैयार होती है हाजमोला और कुरकुरे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, हाजमोले का और कुरकुरे का। अब आपने हाजमोला और कुरकुरे बनते तो देख लिया, पर्स चॉकलेट कैसे बनती है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देख लें।